आज हम लोग क्लास 11 पाठ त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 3.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखिए, इस प्रश्नावली में हमको त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में पढ़ना है। त्रिकोणमितीय समीकरण, ठीक ना। तो इस त्रिकोणमितीय समीकरण में देखिए हमको जो मिलेगा वो त्रिकोणमितीय फलन होंगे, ठीक ना। जैसे त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन, कॉस, टेन, ये सब रहेगा। जैसे देखिए समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण किस प्रकार, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर एक, ठीक ना, या कॉस एक्स बराबर एक बटे दो, ठीक ना, या तो साइन एक्स बराबर करनी तीन बटे दो। तो इस प्रकार का देखिए समीकरण प्राप्त होगा हमको। तो देखिए समीकरण में, समीकरण किसे बोलते हैं, तो किसी भी चीज़ में देखिए जैसे बराबर लगा हो, ठीक ना, बराबर हो, तो इस प्रकार के चीज़ों को समीकरण बोलते हैं। जैसे अगर हम बहुपदी द्विघात समीकरण अगर लिख दें हम, देखिए 2x² + 3x - 1, ठीक ना। देखिए ये अभी तक द्विघाती बहुपद है, ठीक ना, सिंपल द्विघात बहुपद है ये, ठीक ना, क्योंकि इसकी अधिकतम घात दो है, इसलिए द्विघात है और बहुपद है ये। अगर हम इसको बराबर जीरो कर लें, है ना, जीरो से अगर तुलना करें तो देखिए अब हमको एक बराबर आ गया कहीं, ठीक ना। तो इस प्रकार ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण आ गया। तो ये बराबर, जैसे बराबर लगाया हमने, सबसे अंत में लगाया है, इसका जरूरी नहीं है। अगर इस प्रकार भी लिखा हो बराबर 3x + 5, ठीक ना, तब भी ये एक समीकरण है, बस बराबर होना चाहिए, तो तब ये जो भी कुछ हो वो समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए अब इसमें, जैसे इसमें है ये यक्स है, यक्स चर है, वाई है, जेड है, तो बहुपद है, ठीक ना, और द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद समीकरण हो गया ये सब। और इसमें देखिए जो भी हमारा है ये फलन दे रखा है, त्रिकोणमितीय फलन है ये, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय फलन इन्वॉल्व हो, ठीक ना। तो अब देखिए इस प्रकार का समीकरण हो गया। अब हम इस वाले प्रश्नावली में त्रिकोणमितीय समीकरण के हल ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल, ठीक ना, हल क्या होता है, सोल्यूशन ज्ञात करना है हमको। तो हम देखेंगे कि कैसे समीकरण ज्ञात, समीकरणों के हल कैसे हमको इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हल की ही बात कर लेते हैं कि हल क्या होता है। तो देखिए जैसे एक समीकरण लिख रहे हैं हम, साइन एक्स बराबर 1/2 लिख लिया, ठीक ना, 1/2 लिखिए। तो ये समीकरण लिखा है, अगर हम इस बोले कि इस समीकरण का हल बताइए, तो इसका मतलब यक्स का मान हमको ज्ञात करना है, यक्स का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, वही इस समीकरण का हल कहलाता है। जैसे यदि हम यहाँ पर यक्स बराबर π/6 रख दें, है ना, π/6 मतलब 30, अगर हम यहाँ पर रख दें तो देखिए साइन π/6 = 1/2 होता है, ठीक ना, मतलब π/6 का मान, देखिए यक्स का मान रख दिया π/6, तो π/6 = 1/2 = 1/2। तो इस प्रकार इस समीकरण को ये संतुष्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये हल हो गया इस समीकरण का, ठीक ना। सिंपल कोई भी हल होता है जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। तो अब देखिए हमने जैसे साइन एक्स बराबर 1/2 का हमने एक हल ज्ञात किया, π/6 ज्ञात हुआ। अब देखिए इसके आगे भी हम इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसके आगे कैसे ज्ञात करना है, देखिए अगर हम यहाँ पर साइन, देखिए अगर π - x = sin x होता है, ठीक ना, ये हमने प्रश्नावली 3.3 के इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है कि कौन सा त्रिकोणमितीय फलन किस चतुर्थांश में क्या होता है, ठीक ना। जैसे ये है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और ये चौथा, ये 0 से π के बीच में होता है, π/2 के बीच में, ये π और 3π/2 होता है, ठीक ना।
और इसमें साइन किस चतुर्थांश चारों चतुर्थांशों में छहों त्रिकोणमिति फलन के बारे में हमने बताया है, कौन कहाँ प्लस होता है, कैसे कन्वर्ट होता है। तो देखिए इसमें देखिए अगर बात करें तो ये साइन एक बटे दो है, तो देखिए एक बटे दो पाई बाय सिक्स पर होता है, ठीक ना। तो हमको एक मान तो इसमें से ज्ञात हो गया, अब अगर हम अगला मान ज्ञात करना चाहें तो देखिए साइन दूसरे चतुर्थांश में जैसे बताया है ऑल साइन टेन कॉस, तो साइन यहाँ प्लस होता है, ठीक ना, इसलिए हमको यहाँ भी एक मान प्राप्त होगा। और हम इस चतुर्थांश में देखिए क्या, इसमें जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक ना। पाई ये रहा पाई, अगर हम इसमें से माइनस करेंगे मतलब कम करेंगे तो हम दूसरे में चले जाएंगे, और अगर पाई में कुछ भी जोड़ेंगे तो हम तीसरे चतुर्थांश में चले जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए हम यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं, इस प्रकार होगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स, का मतलब ये साइन पाई बाई ये सिक्स प्राप्त होता है, ठीक ना, दूसरे चतुर्थांश में प्लस होता है, इसलिए हम इस तरह कर रहे हैं। तो देखिए साइन छः कम छः, छः में कम हुआ तो फाइव पाई बाई सिक्स बराबर साइन पाई बाई सिक्स। तो देखिए इसका मतलब एक मान और आ गया, एक्स बराबर फाइव पाई बाई सिक्स हमको प्राप्त हुआ, ठीक ना, एक्स बराबर फाइव पाई बाई सिक्स हमको एक मान और प्राप्त हो गया, मतलब एक हल और आ गया। मतलब यदि हम यहाँ एक्स का मान फाइव पाई बाई सिक्स रखें तो हमको मान एक बटे दो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए एक्स का मान एक हल ये प्राप्त हुआ, एक हल ये प्राप्त हुआ, ठीक ना। अगर हम इसके आगे और चलें तो देखिए ये हम जैसे बोलते हैं एक पूरी परिक्रमा करने के बाद ये हम फिर प्रारंभिक बिंदु पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ से पूरा फिर जीरो होकर फिर आगे बढ़ेगा, ठीक ना, एक परिक्रमा करने के बाद पुनः वही मान उसी पर प्राप्त होने लग जाता है, ठीक ना। तो देखिए ये भी हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, साइन टू एन पाई प्लस एक्स बराबर साइन एक्स होता है, ठीक ना, और कॉस टू एन पाई प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स हो जाता है, ठीक ना। मतलब टू एन मतलब टू पाई पर एक परिक्रमा हो गया, पर वापस देखिए साइन एक्स साइन कुछ भी टू पाई का गुणज होना चाहिए, उसके बाद हमको साइन एक्स ही प्राप्त हो जाता है। फिर देखिए इसी काम कॉस में भी यही होता है, टू पाई का कितना भी गुणज ले लीजिए अगर आप एक परिक्रमा लगाएं तो टू पाई पार कर गए, टू पाई के बाद फिर हमको वही मान प्राप्त होने लगता है। इसी प्रकार एक परिक्रमा और अगर लगा दें इसका हम फिर यहाँ आ जाएँ तो मतलब फोर पाई हो गया। तो इसमें देखिए साइन 2 पाई प्लस एक्स तो इसका मान भी साइन एक्स आता है, ठीक ना, कॉस 2 पाई प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स हो गया। और अगर हम देखिए दूसरा जैसे 2 हो गया फिर एक और राउंड मारेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, तो लिखेंगे देखिए साइन 4 पाई प्लस एक्स बराबर फिर हमको ये साइन एक्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना, और कॉस 4 पाई प्लस एक्स बराबर फिर हमको ये कॉस एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब यदि हम 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख दें तो हमको फिर ये साइन 30 का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम मिटा लेते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है, ये केवल समझाने के लिए था। तो देखिए एक मान हमको मिल जाएगा, फिर हम पहले चतुर्थांश में एक राउंड मारने के बाद फिर पहले चतुर्थांश में आ जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 पाई प्लस एक्स, ठीक ना, बराबर साइन एक्स होगा, और एक्स का मान हमें पाई बाई सिक्स रख देंगे तो लिखेंगे साइन 2 पाई प्लस पाई बाई सिक्स बराबर साइन पाई बाई सिक्स, ठीक ना। तो इसको हम हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 एक 13, तो 13 पाई बाई सिक्स बराबर साइन पाई बाई सिक्स होता है। तो हमको देखिए एक्स का मान एक और ये प्राप्त हो गया 13 पाई बाई सिक्स, ठीक ना। इसी तरह जैसे 2 पाई पर मिला फिर हमको 4 पाई पर भी मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर हम 4 पाई पर भी करें कि मतलब दो राउंड मारें फिर वापस आएँ तो ये साइन एक्स ही हो जाएगा, साइन एक्स होता है, ठीक ना। तो देखिए एक मान तो यहाँ पर हम छोड़ भी दे रहे हैं, बस 4 पाई 2 पाई का ही आपको दिखा रहे हैं। साइन देखिए 4 पाई प्लस पाई बाई सिक्स हो गया बराबर साइन पाई बाई सिक्स। तो देखिए 6 चौक 24 एक 25, तो हो जाएगा 25 पाई बाई सिक्स बराबर साइन पाई बाई सिक्स।
तो देखिए इस प्रकार हम जितना भी आगे बढ़ते चले जाएंगे हमको मान ऐसे प्राप्त हो जाएंगे, है ना। इस साइन मतलब कई हल प्राप्त हो जाएंगे हमको, जितना आगे जाएंगे उतना हल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि यदि हम एंगल बढ़ाते जाएंगे तो मान आता जाएगा, तो मतलब ये हल अनंत हल प्राप्त होंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए जो इस समीकरण के हल हमको प्राप्त हो रहे हैं ये अनंत हल प्राप्त हो रहे हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार अब हम आगे इन हलों का ना वर्गीकरण करेंगे, ठीक ना। तो हम आगे देखते हैं हलों का वर्गीकरण। तो देखिए त्रिकोणमिति समीकरण के हलों का वर्गीकरण करने हम देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि हमको ऐसे हल, ठीक है, लिखते हैं ऐसे हल जो जीरो और 2π के अंतर्गत प्राप्त होते हैं उन्हें मुख्य हल कहते हैं, मुख्य हल, ठीक ना। जैसे x का मान देखिए 0 से लेकर 2π तक, है ना, जो भी एंगल हमको प्राप्त होगा अगर 0 2π मतलब एक परिक्रमा के अंतर्गत हमको जितने भी हल प्राप्त होंगे वो हमें हम उन्हें मुख्य हल कहेंगे, ठीक ना। या इसको ऐसे ले सकते हैं x अवयव हैं 0 से 2π, ठीक ना। तो अब इसमें देखिए हम इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें हलों की संख्या कितनी होंगे। तो त्रिकोणमिति समीकरण के हलों की संख्या, मुख्य हलों की संख्या, ठीक ना, मुख्य हलों की संख्या। तो देखिए 0 से लेकर 2π मतलब एक परिक्रमा के अंतर्गत जितने भी हमको त्रिकोणमिति फलन है, ठीक ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इनके हमें सिर्फ और सिर्फ ये दो समीकरण दो हल ही प्राप्त होंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार समीकरण हलों की संख्या कितनी होगी, 2 का मतलब साइन एक्स का मान निकालिए, कॉस का, किसी का भी निकालिए, आपको 0 से लेकर 2π या कहिए मुख्य हल सिर्फ 2 प्राप्त होंगे, ठीक ना। देखिए जैसे अगर हम इसके पहले साइन एक्स बराबर 1/2 किया था, इसका हमने हल भी ज्ञात किया था, तो एक हमको मिला था π/6 प्राप्त हुआ था, ठीक ना, और एक दूसरा देखिए और दूसरा प्राप्त हुआ था दूसरे चतुर्थांश में 5π/6 प्राप्त हुआ था, ठीक ना, इसके पहले हमने ज्ञात भी किया था। तो देखिए इसके बाद ये था पहले चतुर्थांश में और ये जो फाइव पाई बाई सिक्स था ये हमको दूसरे चतुर्थांश में मिला था, ठीक ना। और चूंकि तीसरे और चौथे चतुर्थांश में साइन का मान माइनस में होता है इसलिए हम इसमें ज्ञात नहीं करेंगे। तो 1 2 प्राप्त हो गया था हमको, दो हल हमें प्राप्त हो गया था, ठीक ना। तो इस प्रकार इसमें अगर बात करें साइन 1/2 का मुख्य हल क्या हो गया, तो मुख्य हल x बराबर π/6 और 5π/6 प्राप्त होंगे। देखिए इसके बाद हम लोग व्यापक हल को देखते हैं। तो देखिए व्यापक हल क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं व्यापक हल, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए ये कोई हल नहीं होता, ये एक तरीके का फॉर्मूला होता है, ठीक ना, सूत्र होता है जिस पर अगर हम आप n का मान रखेंगे, n क्या होता है, n पूर्णांक संख्या, है ना, कोई भी धनात्मक ऋणात्मक या शून्य, तो कोई भी n का मान रखेंगे तो हमको वो एंगल प्राप्त होता चलेगा, ठीक ना। जैसे देखिए पहला सूत्र है साइन x बराबर साइन y के लिए, ठीक ना, अगर इस प्रकार का कंडीशन बने, देखिए हम आपको पूरा व्यापक हल ज्ञात करना सिखाएंगे और ये मुख्य हल सब बताएंगे, पहले आपको थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद लिखवा देते हैं। देखिए साइन एक्स बराबर साइन वाई इस फॉर्म में लिखा हो तो ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 n y, क्या, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू जेड, ठीक ना। देखिए इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, ठीक ना, और हिंदी के लिए सभी एक्स के लिए, और यहाँ n है तो यहाँ n लिखेंगे, ठीक ना। तो पहले पार्ट समुच्चय में था ये, देखिए या तो इसको ले सकते हैं वेयर,
ठीक ना, जहां, यहां बोलते हैं जहां, यहां बोल सकते हैं इसको यन के सभी मानों के लिए, है ना, यन किसका अवयव है, जेड का, या कह सकते हैं जहां यन अवयव है जेड का, ठीक ना। तो इस प्रकार इसको पढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा सूत्र अगर देखें तो कॉस एक्स बराबर कॉस वाई अगर इस रूप में प्राप्त हो तो हम इसका एक्स का मान लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। और तीसरा सूत्र था टेन एक्स बराबर टेन वाई, तो इससे हमको एक्स का मान क्या आएगा, n पाई प्लस वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। देखिए तीन सूत्र हैं और इसके अलावा हम दो सूत्र और पढ़ चुके हैं। देखिए क्या होता है, साइन यक्स बराबर शून्य हो तो यक्स का मान क्या आता है, यन पाई होता है, ठीक ना, फॉर ऑल यन बिलोंग्स टू जेड। और हमने एक पढ़ा ये तीन हो जाएगा चार, ये पाँच हो गया। कॉस यक्स बराबर शून्य तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, टू यन प्लस वन और पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू का विषम गुणज होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक ना। तो इस प्रकार जब हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे तो हमको ये सूत्रों की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। अब देखिए इस पर आधारित कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो हम ये उदाहरण एनसीईआरटी की बुक से ही देखेंगे। तो देखिए एक उदाहरण लिया है हमने, साइन x बराबर करणी तीन बटे दो का मुख्य हल ज्ञात करें। तो देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं साइन x बराबर करणी तीन बटे ये दो। तो अब देखिए करणी तीन बटे दो किस एंगल पर होता है, तो ये होता है साइन पाई बाई थ्री पर होता है, ठीक ना, साठ पर होता है। तो इससे हम लिखे, देखिए साइन पाई बाई सिक्स, पाई बाई थ्री लिख लिया, एक हमको ये एंगल प्राप्त हो गया है, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ लिखिए चतुर्थांश बना रहे हैं, जीरो पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू, ठीक ना, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक ना। और हमें मालूम है यहाँ ऑल साइन टेन कॉस, ठीक ना, मतलब यहाँ सभी त्रिकोणमितीय फलन प्लस में होते हैं, यहाँ साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में, टेन यहाँ प्लस में और कॉट प्लस में, बाकी सब माइनस, कॉस और सेक यहाँ प्लस में, बाकी सब माइनस में होते हैं। तो इस प्रकार देखिए ये पहले चतुर्थांश में आ गया। अब देखिए हमको यहाँ दूसरा चतुर्थांश चाहिए, ठीक ना, दूसरे चतुर्थांश में धन में होता है, साइन प्लस में होता है, इसलिए हमको यहाँ से एक मान प्राप्त होगा, ठीक ना। और देखिए इसका ये होता है कि हम देखिए दूसरे चतुर्थांश में कैसे पहुँच सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बाय टू प्लस एक्स, यदि हम पाई बाय टू में प्लस एक्स करेंगे तो दूसरे चतुर्थांश पहुँच जाएंगे, या यहाँ से कर सकते हैं पाई माइनस एक्स से प्राप्त हो सकता है, ठीक ना। पाई ये रहा, अगर हम इसमें से कोई एंगल कम करेंगे तो दूसरे में चले जाएंगे, और अगर तीसरे में जाएंगे तो हम यहाँ पाई प्लस एक्स करेंगे तब हम तीसरे में जाएंगे, ठीक ना। और इसी प्रकार जब हम तीसरे में जाने के भी यहाँ से भी जा सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं थ्री पाई बाय टू माइनस एक्स, तब हम तीसरे में चले जाएंगे, और अगर हम यहाँ लिखें थ्री पाई बाय टू प्लस एक्स तो हम चौथे में चले जाएंगे, ठीक ना। और चौथे में जाने के लिए देखिए यहाँ से इसको टू पाई भी बोलते हैं, एक परिक्रमा के बाद ये टू पाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पर चौथे में जाने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं टू पाई माइनस एक्स, ठीक ना, और फिर पहले में जाने के लिए टू पाई प्लस एक्स लिख सकते हैं, ये रहा टू पाई प्लस एक्स, ठीक ना। तो अब हमने देखिए पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया है कि हमको मालूम है कि पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू पर फलन बदल जाते हैं। फलन बदल जाने का मतलब होता है कि साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में बदल जाता है, इसी प्रकार टेन कॉट में बदल जाता है और कॉट टेन में बदल जाता है, और इस तरह कॉसेक सेक में बदल जाता है और सेक कॉसेक में बदल जाता है। तो इसलिए हम इस समीकरण, इस प्रश्नावली में हम पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक ना।
अब हमेशा हम पाई और टू पाई पर ही फलन को बदलेंगे और जिस चतुर्थांश में चाहिए हम उसी चतुर्थांश में लेकर जाएंगे, ठीक ना। तो हम इसका मतलब कि अगर हम दूसरे चतुर्थांश जाना चाहें तो हमेशा पाई माइनस एक्स करेंगे और यहाँ पर पाई प्लस एक्स तीसरे में जाने के लिए, और इस चौथे में जाने के लिए टू पाई माइनस एक्स करेंगे, ठीक ना। तो देखिए ये वाला उपयोग नहीं करना है हमको और ना ही ये वाला प्रयोग करना है, तो इसलिए देखिए यहाँ तक लिख लिया, ठीक ना। अब हम इसको मिटा लेते हैं क्योंकि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो ये हमको देखिए बस ये है, इसका भी जरूरत नहीं है, ये हो गया और ये प्राप्त हो गया, ठीक ना। मतलब हमको ये और यही प्राप्त करेंगे तो हम चतुर्थांश में चलते जाएंगे। अब चूंकि साइन दूसरे चतुर्थांश में होता है तो हम दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे, तो देखिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक ना। ये हमने प्रश्नावली 3.3 के इंट्रोडक्शन में बिल्कुल बताया है कि पाई माइनस एक्स है ना, पाई प्लस एक्स, 3π/2 प्लस माइनस एक्स में मतलब क्या मान आता है ना, छहों त्रिकोणमिति फलन का मान हमने अच्छी तरह से बताया है। तो उसी से देखिए ये लिखा है हमने साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स। देखिए इसमें भी हमने थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि पाई पर है, ठीक ना, तो पाई पर फलन नहीं बदलते, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, ठीक ना, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, है ना, कॉसेक से कॉट है तो वही सेम का सेम रहेगा, ठीक। अब देखिए अगर हम इसमें से इसके माध्यम से हम जा कहाँ रहे हैं, हम जा रहे हैं दूसरे चतुर्थांश में, ठीक। दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस में होता है इसलिए यहाँ प्लस रहेगा, ठीक ना। अगर उसमें नहीं पढ़ा है तो आप उसको देख लीजिए इंट्रोडक्शन, और यहाँ भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो इस प्रकार हम देखिए यहाँ मान रख देते हैं, अब ये हो गया पाई माइनस एक्स का मान कितना है पाई बाई थ्री बराबर, ये हो जाएगा हमको एक्स का मान रख दे रहे हैं तो ये जगह पाई बाई थ्री हो गया। अब इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा तीन एकम तीन, तीन में कम हुआ तो टू पाई बाई थ्री बराबर साइन पाई बाई थ्री हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बराबर कर्णी 3/2 किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक मान प्राप्त हुआ है पाई बाई थ्री यहाँ लिख देते हैं बराबर। अब देखिए दूसरा मान क्या है, साइन 2π/3 2π/3। तो इस प्रकार देखिए हमको क्या प्राप्त हुआ, मुख्य हल क्या है, मुख्य हल बराबर x बराबर देखिए क्या है पाई बाई थ्री और ये 2π/3, ठीक ना। तो 2π क्योंकि अब देखिए इसको इसको तो हल नहीं करना है, माइनस में है यहाँ पर साइन का मान, तो पूरे एक परिक्रमा में 360 डिग्री पर हमको केवल हर त्रिकोणमितीय फलन का दो ही मान प्राप्त होगा, मुख्य हल दो ही प्राप्त होगा, ठीक ना। तो ये देखिए हमने यक्स मुख्य हल भी लिखा था, यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 2π, है ना। यक्स का मान हमेशा जो भी हम मुख्य हल ज्ञात करेंगे इसी 0 और 2π के बीच में रहेगा, या यक्स बिलोंग्स टू 0 2π, ठीक ना। ये मुख्य हल का ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक प्राप्त करना है। देखिए एक मुख्य हल ज्ञात कर लिया, एक और ज्ञात करते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक प्रश्न है टेन एक्स बराबर माइनस 1/3, ठीक ना, इसका मुख्य हल ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं टेन एक्स बराबर माइनस 1/3। अब हम देखिए माइनस छोड़िए, आप पहले 1/3 का मान बताइए कि टेन पर किस पर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस टेन, ये होता है 30 का, मतलब पाई बाई 6 का, है ना, टेन 30 का मान 1/3 होता है। तो हमको इतना पता क्या कि पाई बाई 6 का हमको यूज करना है, ठीक ना। अब हम देखेंगे कि टेन किस में प्लस, ये देखिए माइनस में है यहाँ, तो हम पता करेंगे कौन टेन किस चतुर्थांश में माइनस में होता है, ठीक ना। तो देखिए हमने यहाँ बोला प्लस में होता है तो बाकी में माइनस में हुआ, यहाँ और यहाँ प्लस में होता है, मतलब हमको ये और ये में माइनस में हमको टेन प्राप्त हो जाएगा। तो हमको उस चतुर्थांश में जाना है और इस चतुर्थांश में जाना है। इस चतुर्थांश के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये होता है टेन पाई माइनस एक्स होता है, ठीक ना, पाई माइनस एक्स मतलब आप दूसरे में चले गए, और दूसरे में देखिए टेन फलन नहीं बदलता तो टेन का टेन ही रहेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेन एक्स, ठीक ना। अब देखिए हम गए कहाँ, गए हम दूसरे चतुर्थांश में गए हैं, तो दूसरे चतुर्थांश में टेन माइनस में होता है इसलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक ना। तो ये हो गया, देखिए अब इस पर मान रख देते हैं टेन पाई माइनस, देखिए यहाँ रखेंगे पाई बाई 6 बराबर माइनस टेन पाई बाई 6 हो गया। तो इसको आप हल कर लीजिए,
तो ये हो जाएगा 6 एक कम 6 एक कम हुआ तो 5π/6 बराबर -10π/6 हमको प्राप्त होगा। तो एक मान हमको देखिए पाई बाय सिक्स ये है ना 5π/6 प्राप्त हो गया। अब हम चौथे चतुर्थांश में जाएंगे तो देखिए जाने के लिए हमें बताया कि 2π-xc करेंगे तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 10 2π-x बराबर -10x होता है। देखिए क्यों होगा 2π-x मतलब आप चौथे चतुर्थांश में चले गए और हमने बोला 2π पर या पाई पर फलन नहीं बदलता इसलिए 10 का 10 लिखा है और चूंकि चौथे चतुर्थांश में 10 माइनस में होता है इसलिए माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2π-π/6 बराबर -10π/6। तो हो गया देखिए 6 × 12 12 पे एक कम हुआ तो 11 11π/6 बराबर -10π/6 हो गया ठीक ना। 6 × 12 12 में कम हुआ तो ये तो देखिए हमको क्या प्राप्त हुआ 10x बराबर -1/3 बराबर 10π/ क्या आया है यहाँ पर 5π/6 बराबर 10 11π/6। तो हमको देखिए मुख्य हल क्या क्या प्राप्त हो गया x बराबर 5π/6 11π/6 देखिए दो मान हमको प्राप्त हुआ है ठीक ना। तो हमको एक परिक्रमा में ही जितने भी हल प्राप्त होते हैं और हमको मालूम है दो ही हल प्राप्त होते हैं वही हमको ज्ञात करना होता है मुख्य हल में। अब हम इसके आगे एक उदाहरण से व्यापक हल को भी देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है sin x = -√3/2 का हल ज्ञात करें। देखिए अगर क्वेश्चन दिया हल ज्ञात किया करना है तो इसका मतलब हमको होता है कि हमको मुख्य हल भी ज्ञात करना है और व्यापक हल भी ज्ञात करना है। तो और वो भी ऐसे भी है कि व्यापक हल अगर ज्ञात करना हो तो पहले हमको मुख्य हल तो ज्ञात करना ही होगा ठीक ना। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं, यहाँ लिखते हैं sin x = -√3/2। तो ये देखिए √3/2 साइन के किस मान पर होता है तो ये होता है sin π/3 है ना, sin 60 पर √3/2 प्राप्त होता है। तो हमको इससे एंगल प्राप्त हो गया कि मतलब 60 पर ये √3/2 आता है ठीक ना। अब हम देखेंगे कि साइन किस चतुर्थांश में माइनस में होता है तो देखिए साइन इन दोनों चतुर्थांश में प्लस में होता है तो इसका मतलब इन दोनों पर माइनस में होता है ठीक ना। अब हम इन्हीं दोनों चतुर्थांश में जाएंगे ठीक ना। तो जाने के लिए देखिए क्या होगा, तो तीसरे में जाने के लिए π+x लिखेंगे तो लिखेंगे π+x बराबर -sin x क्योंकि देखिए साइन पाई पर है, पाई या 2π पर फलन इस प्रकार बदलता नहीं है ठीक ना, केवल पाई और 3π/2 पे जब बदलता है तो इसलिए हम इसको इस पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं ठीक ना। हम केवल पाई और 2π पर भी हल कर रहे हैं। तो देखिए पाई प्लस अगर हम x करेंगे तो हम साइन मतलब हम जा कहाँ रहे हैं तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में साइन माइनस में होता है इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं। अब यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं तो π+π/3 लिख दिया बराबर -sin π/3 हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा साइन 3 एक कम 3 और 1 4 तो ये हो गया 4π/3 बराबर -sin π/3। तो देखिए एक मान ये आ गया 4π/3 हो गया। अब देखिए चौथे में जाने के लिए क्या करेंगे 2π-x तो यहाँ लिख सकते हैं हम sin 2π-x बराबर -sin x ठीक ना। चौथे में माइनस में साइन होता है इसलिए माइनस लगाया है। अब हम यहाँ साइन x का मान रख देंगे ठीक ना 2π-π/3 बराबर -sin π/3 हो गया ठीक ना। देखिए आप इसके को बस याद रखिएगा अच्छे से किस में प्लस होता है किस में माइनस होता है और किस चतुर्थांश में जाने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, बाकी ये क्वेश्चन फिर इजी हो जाएगा। तो अब देखिए साइन 3 × 6 6 में एक कम हुआ तो 5π/3 हो गया बराबर -sin π/3 हो गया ठीक ना। तो अब देखिए इसको लिख लेते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं देखिए sin x बराबर क्या था -√3/2
तो बराबर क्या प्राप्त हुआ हमको पहले, हमको पहले प्राप्त हुआ है 4π/3 और दूसरा क्या प्राप्त हुआ है साइन 5π/3 ठीक ना। तो 5π/3 प्राप्त हुआ है। तो इससे हमको देखिए मुख्य हल क्या प्राप्त हुआ ठीक ना, मुख्य हल हुआ यक्स देखिए 4π/3 और 5π/3 प्राप्त हुआ ठीक ना। और अगर हम व्यापक हल की बात करें तो देखिए व्यापक हल के लिए हमको सूत्र पता है साइन यक्स बराबर अगर साइन वाई इस रूप में हो तो हमको यक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस एक के घात एन वाई होता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। तो हम देखिए मान रख लेते हैं यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला है ठीक ना। तो साइन एक्स बराबर साइन, अब देखिए वाई का मान क्या रखेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर लिखा है साइन एक्स बराबर ये भी है और ये भी है ठीक ना। तो हम हमेशा छोटा वाला मान रखेंगे ठीक ना, छोटा रखिए चाहे बड़ा रखिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम पहले छोटा ही रखेंगे क्योंकि यही ट्रेडिशनल में है ही कि मतलब छोटा ही रखा जाता है ठीक ना। तो लिखेंगे साइन 4π/3 देखिए इस रूप में आ गया ठीक ना। तो हम ये वाला सूत्र रख देंगे तो यक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वन के घात एन, वाई का मान क्या है 4π/3 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड ठीक ना। तो देखिए इस प्रकार हमने मुख्य हल और व्यापक हल ज्ञात करना देखा। हम एक उदाहरण और देखेंगे जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए उदाहरण 24 लिया है हमने 2cos²x + 3sin(x)=0। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी एक फलन में ही चेंज करेंगे, या तो साइन में ही बदल लें या तो कॉस में ही बदल लें। तो देखिए हमको एक सर्वसमिका प्राप्त मालूम है sin²x + cos²x = एक होता है, तो हम इस cos²x का मान निकाल लें यहाँ से और इसमें रख देंगे। तो देखिए लिख सकते हैं हम इसको cos²x = 1 - sin²x ठीक ना। तो हम इस cos के स्थान पे इसको हम रख देते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 1 - sin²x + 3sin(x) = ये 0 हो गया। इसका अंतर गुणा कर लेते हैं 2 2 - 2sin²x + 3sin(x) = 0 हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए माना sin(x) = t ठीक ना, बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, इस पर मानना पड़ रहा है इसलिए। देखिए sin(x) = t है ना, एक अलग प्रकार का प्रश्न है ये। तो देखिए क्या बनेगा ये 2 - 2t² + 3t = 0 ठीक ना। y लीजिए z लीजिए कुछ भी मान सकते थे। अब देखिए इसमें होगा -2t² + 3t + 2 = 0। अब इससे से माइनस चेंज करेंगे तो देखिए 2t² सब बदल जाता है, ये माइनस का प्लस किया तो प्लस का ये माइनस हो जाएगा और प्लस का ये माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, द्विघात समीकरण बन गया है। तो इसको करेंगे देखिए हो जाएगा 2t² - 4t + t - 2 = 0। तो ये हो गया 2t t - 2 ठीक ना, गुणनखंड करना आप जानते होंगे क्लास 10 में बहुत था। तो इस प्रकार हो गया t - 2 और 2t + 1 = 0। तो देखिए इससे t का मान ज्ञात हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ से। देखिए ऐसे करते हैं हम लोग, यदि t - 2 = 0 या 2t + 1 = 0। तो देखिए t = 2 प्राप्त हो गया और यहाँ से हो जाएगा t - -1/2 प्राप्त हुआ। तो अब देखिए t का मान रख लेते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए क्या मान था t sin(x) = 2 आया और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा sin - -1/2 ठीक ना। अब देखिए sin(x) का मान 2 बोल रहा है और हमें मालूम है sin(x) का क्या क्या मान हो सकता है, ये हो सकता है -1 से लेकर 1 तक ठीक ना। sin(x) का वैल्यू ही -1 से 1 तक में ही आता है, इसलिए sin(x) = 2 संभव नहीं है। अतः यह
चूंकि है ना यह संभव नहीं है। ठीक ना, तो एक नया चीज आया, इस प्रकार का आया, तो हमको इस तरह लिखना है। देखिए अब हम इसको कर लेते हैं, तो साइन एक्स, साइन एक्स बराबर माइनस एक बटे दो है, तो एक बटे दो किस पर होता है, तो होता है साइन पाई बाई थ्री पर, ठीक ना, साठ पर होता है। तो अब माइनस में ज्ञात करना है, तो देखिए साइन किस चतुर्थांश में माइनस में होता है, तो ये इसमें और इसमें होता है, ठीक ना, ऑल साइन इन दोनों में प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो हम इसे माइनस का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए दूसरे चतुर्थांश में आने के लिए, देखिए हमको मालूम है साइन पाई प्लस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक ना। अब हम एक्स का मान रख देते हैं यहाँ पर, पाई प्लस क्या प्राप्त हुआ है, पाई बाई थ्री प्राप्त हुआ है, सॉरी पाई बाई थ्री, एक बटे दो है ना, तो ये पाई बाई सिक्स हो जाएगा, ठीक ना, साइन तीस पर होता है एक बटे दो का मान, ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे पाई बाई सिक्स होता है बराबर माइनस साइन पाई बाई सिक्स, है ना, तो इसको हमको देखिए प्राप्त हो जाएगा छः एक कम छः एक सात, सेवन पाई बाई सिक्स बराबर माइनस साइन पाई बाई सिक्स, तो एक मान ये प्राप्त हो गया। अब हम चौथे चतुर्थांश में जाएंगे, तो इसके लिए हम ले सकते हैं साइन टू पाई माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, तो इसमें हम एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं, रख देते हैं टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स बराबर माइनस साइन पाई बाई सिक्स। देखिए छः दूनी बारह, बारह में एक कम हुआ तो ग्यारह पाई बाई सिक्स बराबर माइनस साइन पाई बाई सिक्स, तो देखिए हमको क्या प्राप्त हुआ, साइन एक्स बराबर माइनस एक बटे दो बराबर साइन, देखिए एक प्राप्त हुआ है सेवन पाई बाई सिक्स और एक प्राप्त हुआ है साइन इलेवन पाई बाई सिक्स, ठीक ना। तो इससे हमको मुख्य हल क्या प्राप्त हो गया, तो मुख्य हल प्राप्त हुआ एक्स बराबर ये हो गया सेवन पाई बाई सिक्स और इलेवन पाई बाई सिक्स हो गया। और इसके व्यापक हल की बात करें तो हम ये व्यापक हल भी लिख देते हैं, तो देखिए व्यापक हल के लिए हमको सूत्र प्राप्त है साइन एक्स बराबर अगर साइन वाई हो तो हमको क्या प्राप्त होता है, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वन के घात एन वाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक ना, ये हमने पहले लिखाया है। अब देखिए ये इसी रूप का बना, तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर, देखिए हम छोटा कोण लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर साइन सेवन पाई बाई सिक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा देखिए ये फॉर्मूला ही लिखा है प्लस माइनस वन की घात एन और वाई का मान सेवन पाई बाई सिक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, तो देखिए ये हमको व्यापक हल भी प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद प्रश्नावली अगर हम 3.4 लगाएंगे तो हमको बहुत अच्छी तरह सब कुछ समझ में आ जाएगा।